प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का जो शुभ दिन वह है 25 सितंबर। आज के दिन यदि आप पैदा हुए हैं तो आपको जीवन में मिलता तो है, लेकिन हर चीज़ संघर्ष में आप स्वयंभू बनते हैं, अर्थात शंभू बनते हैं, अर्थात अपनी मेहनत से आप अपने जीवन में धन कमाते हैं। और बहरहाल यह जो साल है, हो सकता है आपका जो मन है किसी यात्रा पे या टूर ट्रेवल्स पे जाने का हो, और साथ ही साथ धन से जुड़े क्षेत्रों पे आपकी जो स्थितियाँ 50-50 बन रही, अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे जगहों पे आपने धन इन्वेस्टमेंट कर दिया हो जहाँ से धन की आवक जो है वापसी सुनिश्चित नहीं हो पा रही हो, या फिर एक भंवर की स्थिति आपके लिए बनती हुई और थोड़ा सा लापरवाही में आपने कुछ ऐसा काम किया जिसका आपको भुगतान करना पड़ा। तो टेक केयर, ध्यान रखें। और पेपर पे जुड़े यदि आप वर्क करते हैं तो थोड़ा सा अपने आपको कूल करके करेंगे तो बेहतर है, सोच समझ कर पेपर पढ़ के ही कार्य करेंगे तो बेहतर है। भारत के लिए जो आज की स्थिति है थोड़ी सी तनावपूर्ण, कहीं कोई दुर्घटना के आसार और साथ ही साथ कई जगहों पे मतभेद की स्थितियां भी, कुछ तनाव और हिंसा की चीज़ें भी आज के दिन इस देश में घटित हो सकती है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है उनके लिए काल चक्र आ रहा, कोई इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है आपके पास आ रहा हो, जमीन से जुड़े किसी मैटर पे हो सकता है या फिर किसी अन्य विषय पे हो सकता है, कोई एक रिस्क वाला सब्जेक्ट आपके पास आ रहा हो जिसमें आपको रिस्क लिया जाए, ऐसी कुछ स्थितियां बन रही हैं। तो यदि आप रिस्क लेते हैं तो यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है क्योंकि आगामी समय जो है अनुकूल बताता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/1920 है उसके लिए समय जो है थोड़ा सा प्रतीक्षा वाला, अर्थात यदि कोई चीज़ को आप करना चाह रहे हैं लेकिन आपने तो अपना काम पूर्ण कर लिया है लेकिन अब बाट जो रहे, अर्थात कई बार ऐसा होता है कि शिकार अपना जाल तो फैला देता है लेकिन उसके बाद वो प्रतीक्षा करता है कि कब उसका जाल में मछलियां फंसेंगी। तो ऐसा ही कुछ स्थितियां आपके लिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/1931 है, उतार चढ़ाव के बाद समय अनुकूल होता हुआ, चीज़ें अच्छी गति से चलती हुई और हो सकता है कि धीरे धीरे आप एक सुखद स्थिति की ओर जा रहे हैं या फिर आपका समय जो है अनुकूल हो रहा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4/12/1931 है उनके लिए जो समय है थोड़ा सा मन में आज के दिन थोड़ा सा निराशा के भाव आपके पास आ सकते हैं, जो चीज़ें हैं उसमें हो सकता है आपका मन ना लगे, कहीं और जाने की इच्छा करे तो कुछ इस प्रकार की बदलाव की स्थिति की ओर जाता है। अंक 4 आज के लिए। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 है आज के दिन अच्छी पोजीशन पे किसी चीज़ को लोगों को संदेश देता हुआ, हो सकता है आज आपके पास दो व्यक्ति मिलने आए किसी विषय पे आपसे समाधान का मार्ग वो चाह रहे, ऐसी कुछ स्थितियाँ। अंक 5 के लिए अच्छी पोजीशन आज के दिन। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 से आज के दिनों काम करना तो चाहता है लेकिन काम हो नहीं पाएंगे, कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती है कि आपके कार्यों में आज के दिन रुकावट आ सकती है। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है उनके लिए आज का दिन शुभ है और वो तेज गति से अपना कार्य को करेंगे और आज के दिन उन्हें सिंहासन तो मिलेगा लेकिन संघर्ष करने के बाद एक लोहे का सिंहासन और एक मुकुट उन्हें मिलता हुआ। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 है उनके लिए समय अभी फिलहाल आज का दिन जो है थोड़ा अनुकूल नहीं, मन में थोड़ा पश्चाताप की स्थितियां और ऐसा लग रहा समय थोड़ा अनुकूल नहीं है और लहरें, समुद्र की लहरें इशारा कर रही कि अभी थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, लहरों को शांत होने की प्रतीक्षा करें और आगे बढ़ें। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 से कोई बड़ा प्लान बनाकर उस पर अमल करता हुआ तेज गति से आगे बढ़ता हुआ और यह सोचता हुआ कि धीरे धीरे मेहनत करके वह अपना भाग्य बना रहा, कुछ ऐसी चीज़ों पर आप जा रहे कि कुछ एक बड़ा काम आप करने वाले हैं लेकिन उसका सूत्रपात, उसके लिए जो एनर्जी है, जो आप गड्ढा खोद रहे बड़ा भवन बनवाने के लिए, कुछ वैसी स्थितियाँ अंक 9 के लिए, अर्थात बड़े काम करने के लिए आप जा रहे हैं लेकिन अभी जो समय है आपका नींव बनाने का है। तो दोस्तों ये हुई चर्चा अंक 1 से लेकर 9 तक की और आज के दिन 25 तारीख की। आपको आपके भविष्य से जुड़े अन्य जानकारी चाहिए तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं 7415111400 पर, और अधिक से अधिक कमेंट करें, शेयर करें और लोगों तक यह जानकारी मिले इसकी आप सुनिश्चित करें। थैंक यू।